हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल वैष्णवी मेकओवर में। आइए आज मैं आपको एक पार्टी मेकअप दिखाती हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में जान ही लिया होगा, आज मैं पार्टी मेकअप में एक टॉप सीक्रेट बताने वाली हूँ। जो मेरी वीडियो को एंड तक देखेगा उसको ये टॉप सीक्रेट के बारे में पता चलेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो का फ़ायदा उठाना। जो फ्रेंड्स घर पर रेडी होकर पार्टी में जाती हैं उनके लिए ये सीक्रेट बहुत ही अच्छा है और उनके काम आने वाली टिप है। इसलिए एंड तक देखना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, और इस वीडियो से बेनिफिट लेना। तो सबसे पहले मैंने इनको मॉइस्चराइज़र लगा के इनकी स्किन को तैयार किया। उसके बाद मैं अब इनको कंसीलर लगा रही हूँ। कंसीलर का हमारा ये काम है, जहाँ हमारी डार्क स्किन होती है वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारी स्किन इवन हो सके। ये देखिए, जहाँ जहाँ इनकी डार्क स्किन थी मैंने वहाँ वहाँ येलो कंसीलर का यूज़ किया। उसके बाद मैं थोड़ा हाईलाइट के लिए इनके फेस पर थोड़ा इनकी स्किन से एक पॉइंट ऊपर का जो कंसीलर है वो यूज़ करूँगी, बेस यूज़ करूँगी। ये देखिए, ये इनकी स्किन से एक पॉइंट ऊपर का बेस है, ये मैंने इनको लगाया। इससे हमारा जो हाईलाइट एरिया है वो हाईलाइट भी होगा और हमें ज़्यादा कंटूर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पार्टी मेकअप में कंटूर की इतनी ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा, इनका फेस के कट्स अच्छे हैं तो इन्हें वैसे भी कंटूर की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखो, मैंने अच्छे से हाथ से ही पूरे बेस को मेल्ट करके लगाया। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आपने टॉप सीक्रेट जानना है। तो मैं चाहूँगी जो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें भी थोड़ा टिप्स का पता चले और वो घर बैठे अच्छा मेकअप कर सकें। इसलिए मेरी फ्रेंड्स सब जुड़ी रहना और एंड तक, एंड में मेरी टिप्स को ज़रूर देखना। और मुझे बताना कमेंट करके अगर आपके वो टिप्स काम आई हो, तो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो मुझे कमेंट में बताना। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आती है तो भी कमेंट अच्छे अच्छे करो। अगर नहीं पसंद आती है, आपको कोई कमी लगती हो या कुछ भी लगता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताया करें, जिससे मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देती रहूँगी आगे के लिए और अच्छे अच्छे टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। जिसको पार्लर के बारे में थोड़ी नॉलेज लेनी हो या ऐसा हो, वे मेरी वीडियोस देख के वो घर पे ही थोड़ा मेकअप कर सकती हैं, क्योंकि हर टाइम पार्लर में जाने का टाइम भी नहीं होता। ये देखिए, मैंने ना पहले बेस लगा के उसके बाद अब लूज़ पाउडर लगाया। बेस के बाद लूज़ पाउडर लगाना ज़रूरी होता है, इससे बेस फिक्स हो जाता है और बेस फटता नहीं। कहीं मेरी फ्रेंड्स की ये शिकायत होती है कि बेस हट जाता है या फिर लाइट डार्क हो जाता है, वो सिर्फ इसलिए ही होता है क्योंकि हम बेस लगा के या फाउंडेशन लगा के अगर यूज़ पाउडर का यूज़ नहीं करते, लूज़ पाउडर का, तो बेस हमारा फिक्स नहीं होता। अगर बेस के ऊपर हम लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं तो वो फिक्स हो जाता है, शाम तक हमारा मेकअप ऐसा का ऐसे ही रहता है। इसके बाद देखो, मैंने आईज़ का मेकअप शुरू किया। आईज़ में भी पहले बेस लगाया, उसके बाद आई शेडो लगाया और अब देखो मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। ये मस्कारा है एफसी का, मुझे एफसी के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे लगते हैं। एफसी मीन्स फैशन कलर। ये एफसी की ही लिपस्टिक है और मैंने एफसी का ही मेकअप दिया इनको। देखो लुक कितना अच्छा आया। अगर आपको इनका लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करना, ताकि मैं अगली वीडियो इससे भी अच्छी बना के आपके पास लाऊं।
अब मैंने हाईलाइट एरिया को हाईलाइट किया, क्योंकि पार्टी मेकअप में थोड़ा हाईलाइट करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे फेस पे शाइनिंग आती है। इसके बाद देखो मैंने मांगटी का सेट किया, ये देखिए मांग टीके में मैंने पीछे क्रॉस करके पिन लगाई और डबल टेप लगा दी, जिससे हमारा मांग टीका हिले नहीं। ये देखिए बिल्कुल फिक्स हो गया मांग टीका। अब मैं इनका हेयर स्टाइल बना रही हूँ। हेयर स्टाइल के लिए मैंने बैक कॉम्बिंग की, क्योंकि कोई भी अगर हम हेयर स्टाइल बनाते हैं, आपने मेरी दूसरी वीडियो में भी देखा होगा, तो मैं बैक कॉम्बिंग करती हूँ, इससे हमारा हेयर स्टाइल फ्लफी बन जाता है। ये देखो थोड़ी मैंने स्प्रे किया और थोड़ी बैक कॉम्बिंग की, इससे देखो इनके बालों में थोड़ी सी हाइट आ गई, ये देखो। तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर आपको बताती हूँ, तो मेरी वीडियो पर बने रहना, मैं आपको एक सीक्रेट भी बताने वाली हूँ। तो लगभग इनका कंप्लीट हो गया है मेकअप। ये देखिए देखिए मेरा सीक्रेट ये है, जैसे अगर हम फाउंडेशन या बेस वगैरह लगाते हैं, सर्दी में टाइट हो जाता है, देखा होगा पूरे फेस पे अच्छे से नहीं लग पाता, मेल्ट नहीं हो पाता, तो उसके लिए जो हमारा फेस सीरम होता है, आपने फेस सीरम देखा होगा, फेस सीरम डाल लो दो चार बूंदे, अगर अपने फाउंडेशन में थोड़ा सा निकाला जितना आपने यूज़ करना और उसमें फेस सीरम डाल दिया, फिर अगर हम उसको फेस पर लगाते हैं उससे शाइनिंग भी आएगी और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ये देखिए इनका फाइनल लुक, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू।